सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। बाय द वे, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर ऊपर जा रहा हूं और ये रेल कहां से लगा दी मैंने। सो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में मैंने बनाया था स्केलेटन वाला एक्सपी फार्म, सो वहीं से मैं अभी ऊपर आ रहा हूं। और ये रेल, मेरे पास आयरन था तो मैंने रेल लगा दी नीचे ऊपर जाने के लिए, जिससे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आने जाने में। अरे एक मिनट यार, यहाँ तो स्केलेटन है भाई, जल्दी नीचे चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे एक तो कंट्रोल भी विजिबल नहीं तो मैं नीचे भाग लेता हूँ। सो इस बार मैंने अपना कैमरा एंगल चेंज कर लिया है और अब मैं चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ और एक मिनट, यहाँ तो दो दो स्केलेटन खड़े हुए हैं भाई, मैं तो ऊपर निकल लेता हूँ। लो भाई, मैंने तो इनकी लड़ाई करवा दी, अभी दोनों आपस में लड़ते मरते रहेंगे। हम लोग चलते हैं फटाक से ऊपर क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, एंड चल के सोते हैं। तो ओके गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। तो यार देखो, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि इस वाले एसएमपी में हम लोगों को खेलते खेलते काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक कंप्लीट डायमंड का आर्मर तक नहीं है। सो देखो, डायमंड का आर्मर बनाने में हम लोगों को ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं डायमंड का आर्मर बना भी लेता हूं, वो डैमेज हो जाएगा एंड फिर वो टूट जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सो देखो, उसमें हम लोग एक एंचेंटमेंट लगाएंगे जो कि होती है मेंडिंग, और उस वाले एंचेंटमेंट को लगाने के बाद अगर हम लोग कहीं से भी एक्सपी कलेक्ट करते हैं तो जो हमारे टूल्स होंगे, आर्मर होगा, वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस वाले एंचेंटमेंट को लेने के लिए हम लोगों को विलेजेस ट्रेड करना पड़ेगा, बट अभी तो हम लोगों ने ट्रेडिंग हॉल बनाया ही नहीं है। सो इसीलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं ट्रेडिंग हॉल, और ट्रेडिंग हॉल हम लोग पता कहाँ बनाएंगे, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। जगह मैंने डिसाइड कर ली है। सो यहाँ से मैं एकदम सामने जाऊँगा तो यहाँ पर जो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर मैंने जो सामान है यहाँ पर रख दिया है, और इसके अंदर मैंने दो विलेजर्स बंद कर दिए हैं जिससे कि वो भाग ना पाएँ, जिसमें से एक बच्चा है जो कि बड़ा हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो चलो ठीक है, दोनों बड़े हो चुके हैं तो हमारे पास अभी दो विलेजर्स हैं, फिर इनको ब्रीड करवा के हम लोग काफ़ी सारे विलेजर्स कर लेंगे। तो देखो, अभी बस हम लोग फटाक से बनाना चालू करते हैं, और जो आइटम है बनाने वाला वो रखा हुआ है उधर पे। तो चलो फटाक से हम लोग आ चुके हैं चेस्ट के पास, और इसी के अंदर रखा हुआ हमारा सारा का सारा आइटम। तो यहाँ से हम लोग सारा का सारा जो आइटम है उसको पिकअप कर लेते हैं इन्वेंटरी में, एंड फिर यहाँ से मैं कितनी ले लूँ बताओ, 3-4 स्टैक ले लेता हूँ क्योंकि बार बार मैं लेने नहीं आऊँगा। एंड स्टोन ले लेते हैं, मतलब सारे टाइप के ब्लॉक हम लोग लगाएंगे जिससे कि जो विलेजर वाले वो थोड़ा देखने में मस्त लगे। और स्टेयर वगैरह ले लेते हैं, ये डीप स्लेट वाली स्टेयर्स हैं, और क्या ले लूँ मैं, आई थिंक इतना जो है काफ़ी रहेगा, बाकी तुम थोड़ा वो सामान लेके आ जाना, ठीक है। वो ले आना स्लैब। तो अभी मैं भागता भागता आ चुका हूँ इन विलेजर्स के पास, और देखो यहाँ पर बनाने से पहले ना हमें सबसे पहले तो ये चेस्ट वगैरह जो यहाँ पर लगी हुई है इसको साइड में करना पड़ेगा, और ये जो विलेजर्स हैं इनको भी थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। तो चलो फिर हटा देते हैं इनको फटाक से यहाँ से। सो अभी मैंने चेस्ट वगैरह जो है वो साइड में कर दिए और विलेजर्स को भी हटा दिया है। तो चलो फिर अब हम लोग फटाक से बनाना चालू करते हैं, बट उससे पहले क्यों ना थोड़ा सा एरिया और एक्सटेंड कर दिया जाए। तो चलो मैं फटाक से इस वाली डर्ट को भी हटा देता हूँ। तो ओके गाइस, अभी मैंने सारे के सारे गड्ढे भी भर दिए हैं, और जो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो चलो अब बिना किसी देरी के मैं बनाना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर लगाना है पहले हमें एक ब्लॉक, एक ब्लॉक यहाँ पर, फिर एक दो तीन को छोड़ के एक यहाँ लगाना है, फिर एक दो तीन, फिर एक यहाँ, फिर एक दो तीन, और इतने। सो अब थोड़ा देखने में मुझे लगता सही लगेगा, हाँ ठीक है, ये थोड़ा देखने में सही लग रहा है। अब हम लोगों को पीछे साइड पर ब्लॉक लगाने हैं, तो एकदम वैसे ही सेम करना है, तीन ब्लॉक का गैप रखे, एक दो तीन एक। तो वैसे अभी थोड़ी जगह कम पड़ गई तो थोड़ा पीछे हटाना पड़ेगा ये सब। ठीक है गाइस, यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा ब्लॉक्स लगा दिए, अब मुझे लगाने इस साइड एंड फिर उस साइड। तो देखो, उस साइड लगा देगा जैक्सन, मैं इस साइड लगाता हूँ। तो इसके बाद इनको हमें लेके जाना है 5 ब्लॉक्स तक ऊपर। तो चलो मैं बनाना चालू करता हूँ बिना किसी देरी के। तो गाइस, पूरा का पूरा जो फ्रेम है, नहीं पूरा तो नहीं, अभी थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके बाद हम लोगों को बस इस साइड लगाने हैं, एंड फिर जो हमारा फ्रेम है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर लगा के मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का फ्रेम बना दिया है। तो चलो अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसा लगने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, अब तुम्हें थोड़ा सा और देखने में मस्त लगेगा। ये देखो, अब पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, एंड अब हमें बनाना है क्या, नीचे का बेस। तो बेस में मैं लगाने वाला हूँ, क्या लगाऊँ बताओ, इसको हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं इसको, इसके बाद फिर हम लोग प्लैंक लगाएंगे यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या लगाना है। वैसे जो भी हमारा एरिया था उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है। सो गाइस, अभी मैं साइड में स्टोन ब्लॉक लगा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया आ नहीं रहा है, एंड पता नहीं कैसा बनने वाला है, बट मैं बनाता जा रहा हूँ बस। देखो अब हम बना दे रहे हैं,
तो ओके गाइस, अभी मैंने पूरा का पूरा जो स्टोन है उनको कंप्लीट कर दिए हैं। एंड एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया था, इसको मैं पहले करके तोड़ देता हूँ, इसको तोड़ दो। हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अंदर लगाने वाले हैं हम लोग प्लैंक। गाइस देखो क्या ही तगड़ा डिज़ाइन बना है, मतलब गलती से बनाई ये वाला डिज़ाइन। तो ज़रा तुम लोग बताना कमेंट्स में कि तुम लोगों को ये वाला जो डिज़ाइन है वो कैसा लग रहा है। तो एकदम सेम हम लोग इधर भी बनाते हैं। सो ओके गाइस, फाइनली अपना जो पूरा का पूरा विलेजर हॉल है वो बन के रेडी हो चुका है। और देखो मैंने इसमें विलेजर वगैरह भी रख दिए एंड ये अपना काम भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो अब तुम कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला विलेजर हॉल तुम लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है एंड अभी इसकी छत बनाना बाकी है, वो मैं बना दूंगा। सो आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसीलिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि सारी रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, खा पूरे होने दो, मौ ब्या रहे हैं। मैं तुम्हें एक निंजा तकनीक बताता हूँ। तेरी माँ का से पकड़ पहन मकर तेरी मात्रा जीत।